शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव में सोमवार की सुबह एक महिला और पति सहित 2 बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसकी वजह से चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक डेहरवारा गांव की रहने वाली फूलवती जाटव अपने पति विक्रम चाटव, बेटा आर्थिक और बेटी पूर्वी के साथ घर से खेत के लिए निकले थे। इसी दौरान पेड़ पर लगी मधुमक्खियों के छत्ते से निकलकर मधुमक्खियों ने एकाएक चारों पर हमला बोल दिया। महिला और उसके पति सहित दोनों बच्चे मधुमक्खियों के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चारों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाम है तुम्हारा? मेरा पप्पू है। कहाँ के रहने वाले? जी कौन है आपके? जी हमारी बहू है। क्या नाम है इनका? फूलवती। पूरा नाम बताओ। फूलवती है। अरे आगे जाती तो होगी जाटव। अच्छा, तो ये क्या हो गया इनको? मऊ ने खा ली क्या? रास्ते में जात में। अब क्या हालत है उनकी? अब वो आगान हो रही है। अच्छा, ये अकेली थी? हाँ अकेली थी। अरे और मोड़ी है 7 जने जैसे हटाइए। और कहाँ है? और इनका पति और बच्चे। और